नमस्कार दोस्तों, मैं मिशित कवटे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एरोप्लेन के बारे में, या फिर आप इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट भी कह सकते हो। सो लेट्स सी। दोस्तों अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो फ्लाइट चलती है वो चलती है एविएशन केरोसिन पे। और दोस्तों एविएशन केरोसिन भी एक फ्यूल ही है जैसे पेट्रोल या डीजल। और दोस्तों जैसा ही पेट्रोल और डीजल भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, वैसे ही ये एविएशन केरोसिन भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एरोप्लेन्स को कैसे रन करेंगे। अगर हम गाड़ी की या फिर बसेस की बात करें तो वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन दोस्तों एरोप्लेन्स का क्या होगा, क्या इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक बैटरी जनरेट कर सकती है जो पूरे एयरक्राफ्ट को हवा में लिफ्ट करके टेक ऑफ कर सके। तो दोस्तों इसी पे रिसर्च चल रही थी। और दोस्तों दिसंबर 2019 में पहली बार कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक एरोप्लेन को उड़ाया गया, और दोस्तों वो 28 मिनट्स तक हवा में उड़ा। और दोस्तों उसके अंदर 9 सीटें थी और उसके अंदर 2 पायलट्स की सीट भी थी। तो दोस्तों इससे ये तो कन्फर्म हो गया कि हम इलेक्ट्रिकली एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अभी हमें और रिसर्च करनी पड़ेगी और पावरफुल बैटरीज बनानी पड़ेगी और विंग्स पे ऐसे सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके सन रेज से। तो दोस्तों फ्यूचर एरोप्लेन्स का यही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेंगे, क्योंकि दोस्तों एविएशन केरोसिन बहुत ही जल्द मतलब अभी तो टाइम है, लेकिन दोस्तों एक टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों फिर भी अगर एरोप्लेन्स को हमें चालू रखना है तो हमें अभी से ही इलेक्ट्रिक एरोप्लेन्स की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिक एरोप्लेन्स की बात करें तो हो सकता है कि उसकी टिकट्स हमें थोड़ी सस्ती देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी फिर इतनी महंगी नहीं रहेगी अगर हम उसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्लेन के ऊपर सोलर पैनल लगा लिया तो फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना फ्यूल यूज हो रहा है, कितना लीटर फ्यूल यूज हो रहा है, तो फिर आपकी टिकट का प्राइस शायद कम हो सकता है। तो दोस्तों कैनेडा में इसकी टेस्ट फ्लाइंग हो चुकी है दिसंबर 2019 में, और दोस्तों इससे हमें ये तो साफ साफ पता चलता है कि हाँ इलेक्ट्रिकली प्लेन को उड़ाना पॉसिबल है। और लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि फिर 200-300 पैसेंजर वाला जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों आपके क्या ओपिनियंस है इलेक्ट्रिक एयरप्लेन्स को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और आपको टॉपिक कैसा लगा इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट को लेकर, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। बस फिलहाल के लिए इतना उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेट लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चाहिए।